उज्जैन बनगर तहसील के आसलावदा ग्राम पंचायत क्षेत्र में आने वाले रेलवे स्टेशन पर रहने वाले एक वृद्ध ने अपने परिवार के सदस्यों के साथ पहुंचकर जिला मुख्यालय और तहसील मुख्यालय सहित भोपाल अधिकारियों को लिखित में शिकायत की और अपनी समस्या परेशानी बताई। वृद्ध जिस जगह निवास करता है अपने परिवार के सदस्यों के साथ, वहाँ पर सड़क खुदी हुई है। आने जाने के दौरान वृद्ध और उसके परिवार के सदस्य काफी परेशान हो गए। वहीं शौचालयों का गंदा पानी भरा हुआ रहता है, जिसकी वजह से बदबू और बीमारी की वजह बनी हुई है। उसके घर के आसपास और अन्य लोग भी परेशान हैं। उसी को लेकर वृद्ध ने तहसील मुख्यालय और जिला मुख्यालय सहित भोपाल शिकायत की लिखित में और अपनी परेशानी बताई और निराकरण करने की मांग की गई। भाव जी बताइए, क्या नाम है आपका और कहाँ रहते हैं? स्टेशन असलावदा स्टेशन। बताइए क्या दिक्कत आती है, क्या समस्या आती है? क्या है साहब, कम से कम 10-12 नाली के पाइप डाल रखे हैं मेरे बिल्कुल दरवाजे के ऊपर ही। क्या होता है फिर, क्या दिक्कत आती है, क्या समस्या आती है? मच्छर खाते हैं, गुम होते हैं, मेरे छोरा छोरी खेलते रहते हैं, क्या करूँ मैं? आपने बताया नहीं जो ग्राम पंचायत में सरपंच, ग्राम पंचायत को भी 50 बोल दिया, 3 सरपंच निकल चुके हैं। अच्छा, लिखित में शिकायत वगैरह की आपने? बिल्कुल, तो सब कोई कागज फाड़ के फेंक देते हैं। अच्छा, और सब जोर से अर्थी कर्म कर रखा, मेरे को निकलने की भी जगह नहीं है और 20 सेंटर में मैं फंसा हुआ हूँ। वॉइस ऑफ राइट्स के लिए उज्जैन से वीरेंद्र शर्मा की रिपोर्ट।